चिंटू सर से मिलकर नई लड़की आई, कैसा लगा आप लोग को उनके साथ पूरा अलग लेवल? ये मीटिंग बुलाई गई थी अलग लेवल के लिए, क्योंकि आप सब तो उड़ान भर चुके हैं। अब उड़ान भरने के बाद बस कैसे ऊपर बने रहना है उस पर देखना था। सारे लोग से मुलाकात आप लोगों ने की, अभी पवन सर बिपिन सर आने वाले हैं, वहां आप लोग को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक सेशन करते थे मेरे प्रोग्राम से पहले, और ये बनाया क्यों गया था, और एक गुड न्यूज देता हूं, आज से ठीक 2 साल पहले मैं जुड़ा था इससे। आज ही का वो दिन था जब मुझे प्लान दे रहा है 1 साल, और प्लान देने वाला जो व्यक्ति था उसके पास, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझसे कैसे कहेंगे ज्वाइनिंग होंगे या कहीं सिक्किम या ऐसे होता है। मेरी पहली होल्डिंग 3 तारीख को थी, 3 फरवरी को, सर 3 मार्च को, और आज 1 तारीख है। अब से लेकर अब तक का सफर आप लोग के सहयोग से काफी बड़ा, काफी विशाल बन चुका है। अब जरूरत है एक नई, आप में से कुछ सेलेक्टेड लोगों को रिक्रूट करके उनको ट्रेन करके इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करने। ये जो मीटिंग बुलाई गई, अभी तक हम लोग साल भर में लगभग 7 से 8 प्रोग्राम किए पिछले 1.5 साल के अंदर, और 1.5 साल के अंदर इतिहास रहा है कि कभी हमने नए व्यक्ति को बुलाया नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो दुबई टूर अचीवर, सिंगापुर टूर अचीवर, मलेशिया टूर अचीवर, सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया था और उनको ट्रेन किया गया था। उनसे एक टीम तैयार की गई जिनको स्पार्टन्स कहा गया। स्पार्टन्स 300 स्पार्टन्स आप लोग मूवी देखी होगी, किसी ने देखी नहीं देखी, देखिए लोगों ने 300 स्पार्टन्स एक योद्धा। मैं इसको हिंदी में थोड़ा अलग लेवल पे लेके जाता हूं, मुझे आप में से कम 300 लोग धोनी के रूप में चाहिए, धोनी महेंद्र सिंह धोनी की तरफ, जो विकेट कीपिंग भी जानते हो, बैटिंग भी जानते हो, बॉलिंग भी जानते हो, हर चीज, और कैप्टनशिप भी होती है, कूल दिमाग हो, ऐसे 300 लोगों की एक नेटवर्क बनाना है। और लगभग जितने कंट्रीज हैं जहां पे हम जा सकते हैं, ऐसा कि विशेष सर बताते रहे हैं, लगभग 196 कंट्रीज तो ऐसी है जहां पे हम लोग जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज को छोड़ कर उनको किनारे कर देते हैं। उन कंट्रीज में आरबीसी का वर्चस्व फैलाना, उनमें से कुछ लोग जिम्मेदार है। तो इसमें से काफी लोगों को हायर किया गया था, 252 लोगों को रिक्रूट किया गया, उनको ट्रेन किया गया, उनको फैसिलिटीज भी दी गई। लेकिन अब नए सिलेक्शन का दौर शुरू हो रहा है। पुराने लोग जो हैं वो सचेत हो जाएं, यदि वो परफॉर्म नहीं कर रहे लास्ट 3 महीने से तो अब उनको हटाने का टाइम आ गया है। और नए लोगों का वेलकम है, उनको अगले 3 महीने के लिए मैं रिफ्रेशर प्रोग्राम में रखूंगा। बिजनेस कम डाउन से मतलब नहीं है, लेकिन नए लोगों को मौका दिया जाएगा कुछ अलग करने का, कुछ अलग कमाने का, कुछ अलग तरह के टूल्स का, हर तरह का। अब आपको हम दे रहे हैं हर चीज से बाहर निकलिए, जहां जहां जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी तरह के शस्त्र की जरूरत है, वो मिराकल फॉर लाइफ आपको टूल्स प्रोवाइड करेगा, हर तरह का टूल्स। मैं आपको बता दूं, मिराकल फॉर लाइफ इंडिया की इकलौती ऐसी इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 3 तरह से हेल्प की जाती है, नॉलेज से, एजुकेशन देकर, टेक्निकल नॉलेज देकर, जहां टेक्निकल आपको सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। हमने एक जूम मीटिंग की, अभी महिलाओं का जूम मीटिंग स्टार्ट होने जा रहा है, जूम मीटिंग एक टूल्स के रूप में आया, और शिवांशु जी के थ्रू हम लोगों ने KYC कैसे अपडेट करना है, हर चीज पे आपके काम करेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो ये मिराकल ग्रुप करता है, वो करता है फाइनेंशियली सपोर्ट। 300 ऐसे लोग जिनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, यदि वो काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शर्त क्या है? सिर्फ 4 शर्त है। पहली शर्त, आप लॉयल होने चाहिए आरबीसी के प्रति, मिराकल फॉर लाइफ के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, क्लियर कट लॉयल्टी पहले नंबर पर। दूसरा, फुल टाइमर होना चाहिए। यदि आप पार्ट टाइम इसको सोच रहे हैं तो आप टीम मिराकल का हिस्सा नहीं बन सकते, स्पार्टन्स का हिस्सा नहीं बन सकते। और तीसरा, एक्टिव होना चाहिए, यानी धोनी होना चाहिए। और चौथा, इंटरनेशनल लेवल पे जितने प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं उन सारे प्रोग्राम में उसको जाना पड़ेगा। और मिराकल के पास पावर होगी कि आपको कभी भी किसी भी प्रोग्राम में भेज देंगे। यदि हम आपको सारे सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो हम चाहेंगे कि आप जो है हाजिर हो जाएं। ये सेशन हम अभी करेंगे,
लेकिन उससे पहले आधे घंटे का सेशन होगा इम्पोर्टेंट, जिस प्रोग्राम में हम लोग केवल क्वेश्चन आवर करेंगे, अभी आपके डाउट्स और मेरा आंसर होगा। मैं लैपटॉप ऑन करता हूं, उसको स्टार्ट करते हैं। इसको वो करिए,